अजीब अपनी जिंदगी के तरफ अपने को खींचते हुए हम उस कालांतर वर्षों में जाते हैं जहाँ तक जो मेरी यादें हैं। अपनी इस यादों से हम जोड़ेंगे अपने जीवन को और कोशिश करेंगे कि हमारे जिंदगी अगर भगवान या अल्लाह ताला या ऊपर जो भी सुनते हो तो लगे। जहाँ तक मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमांकन पर मेरा पैतृक घर पर माँ पिता ने बताया कि यहाँ तुम्हारी पैदाइश हुई थी। मुझे कुछ को यही स्मरण आता है कि हम उत्तर प्रदेश के एक फतेहगढ़ जगह है, उस फतेहगढ़ जगह में गए तो वहाँ मेरी एक रेलवे प्राइमरी स्कूल है जहाँ से हमने अपनी पढ़ाई लिखाई फिफ्थ क्लास पास किया था। मुझे अभी तक स्मरण है, घर पे मुझे मेरी माँ पिताजी और हमारे दो भाई एक और दो बहनें मुझे अच्छी तरह स्मरण है। तीन बहनें एक साथ हम लोग रहते थे, समय गुजारते गए, पास करते चले गए। फतेहगढ़ से जो मैंने प्राइमरी रेलवे स्कूल से जो मैंने पास किया मुझे याद है, वो खूबसूरत अभी भी सड़कें याद हैं। एक वहाँ राजपूत रेजिमेंट हुआ करता था फतेहगढ़ में, लोको सेठ लोको कॉलोनी हुआ करता था। पापा हमारे मिलिट्री से कैप्टन रैंक से रिटायरमेंट के बाद उनको अंग्रेज़ों ने यानी कि उनको रेलवे के एक सरकारी नौकरी दी जहाँ उनके पोस्टिंग है मुझे याद है। और लगातार उन्होंने अपनी शिक्षा दिशा अनुशासनिक और मिलिट्री वाला स्टाइल प्रतिदिन कहानियों के गढ़ कर छोटे छोटे अपने दो भाइयों और तीन बहनों के बीच में मुझे याद है कि हम लोग रहते थे, माता पिता ने संस्कार दिया। अचानक बढ़ते बढ़ते हमको वो भी याद है कि उस फतेहगढ़ से हमने जब प्राइमरी स्कूल से मैंने एट क्लास पास किया था, वही फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में जो फतेहगढ़ के बगल में, वहाँ मैंने क्रिश्चियन इंटर कॉलेज से हाई स्कूल पास किया। फिर उत्तर प्रदेश के उसके बाद इंटरमीडिएट के लिए हम लखनऊ हम क्रिश्चियन इंटर कॉलेज भी गए और क्रिश्चियन इंटर कॉलेज में मैंने इंटरमीडिएट पास किया। अचानक फिर समय बदलता गया, युवा होते गए, ऐसा लगा कि कई तरह को ज्ञान जमाने लगा। मुझे याद है जो आजकल के नए युवकों में जो देखा जाता है जो ताजगी तेजीपन या छिछड़ापन, क्या बताएं, इस मामले में हम सदा कमज़ोर रहे हैं। भोले भाले जैसे आदमी थे हम, लड़के थे कह सकते हैं। लखनऊ से मैंने पढ़ा, फिर हम उत्तर प्रदेश के बलिया में आ गए। बलिया में मैंने टाउन डिग्री कॉलेज से मैंने लगातार परीक्षाएं दी और मैंने पोस्ट ग्रेजुएट गोरखपुर यूनिवर्सिटी से लेकर लगातार हमने पीजी किया। हम बताते चलते कि उस समय एक बड़े बचपन में एक शौक था कि मैं डॉक्टर बनूं, एमबीबीएस डॉक्टर। और 1974 में जो बिहार के पीएमटी जो टेस्ट हुआ करता था, हमने पीएमटी टेस्ट में भी परीक्षाएं दी और परीक्षाएं देने के बाद 74-75 में जब मैंने पीएमटी परीक्षा दी थी, परीक्षा पास करके तो डोनेशन के नाम लिखाने की बात आई थी। हमने ऐसा दबाव नहीं बनाया अपने गार्जियन पर कि उनका पैसा लगे, उसमें पैसा का बहुत महत्व था, पैसा भी काफ़ी कम मिलता था और मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया। मैंने जीवन का टर्निंग चेंज किया, सीधे हम सोच नहीं डॉक्टर नहीं बने तो एग्रीकल्चर, हम वैज्ञानिक बनेंगे और हम सीधा एग्रीकल्चर के लाइन में जा कर के पोस्ट ग्रेजुएट किया। अचानक वापस लौटते थे, एक हमारे में खेलने का हॉबी थे, क्रिकेट के अच्छे प्लेयर हुआ करते थे, क्रिकेट खेलते थे और शॉर्ट पुट हाई जंप मेरा प्रिय गेम था। सभी में हमने यूपी लेवल पर भी मैंने काम किया, खेला ऑन रोड, बिल्कुल सभी अभिलेखी है, हमारा रिकॉर्ड पर है। अचानक वापस आते हैं, फिर टूट जाते हैं दिलों में इच्छाएँ रहती हैं कि ये बनूँ वे बनूँ, डॉक्टर बनूँ, नहीं बन सके। एग्रीकल्चरिस्ट जो वैज्ञानिक बनने की बात है उसमें थोड़ा सा पीछे आते हुए अचानक एक मेरा बैंक में जॉब हुआ, दो दिन मैंने जॉब किया लेकिन मन में सफोकेशन फील हुआ। पुलिस बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से आपका डायरेक्ट एसआई की बहाली निकली थी
1980 बैच जिसके फॉर्म फिलअप हुआ था 1976 में, और मैंने भरा और बहुत इजी वे में मैंने नौकरी पाई और चला गया अचानक। उसके बाद जीवन में एक टर्निंग, हमारी शादी, मनचाही शादी, और हमारी एक पत्नी रंजना सिंह से मेरी शादी हो जाती है। दोनों का जीवन, वो भी हमसे जॉब के पहले, वो शिक्षा सेवा में आती, हम पुलिस सेवा में चले गए। अच्छा खासा आश्रम चलता हुआ बिहार के छपरा में जीवन बढ़ता गया, पीछे से फौज बढ़ती गई, लड़का, तीन लड़कियां होते गए, बड़े होते गए, जिम्मेवारी, सभी बच्चों को जितना स्वतंत्रता ढंग से रहे, पले बढ़े, बताने की चीज़ें नहीं। आज जो भी हैं सभी बच्चे हमारे, जो लड़के या लड़कियां जो भी हैं, अपनी सही जगह पर हैं, शादियां हो चुकी हैं, कुछ बाकी भी है, प्रयासरत हैं। दोस्तों अचानक भरे पूरे पता ही नहीं चला कि कब हम 60 के दशक में आ गए। 60 साल अपने मौसम, हर साल दुख सुख छाँव को झेलते हुए, दुखों सुखों को झेलते हुए, पति पत्नी दोनों 60 साल की सेवानिवृत्त पर अचानक जब वापस होते हैं, एक नई जिंदगी शुरुआत होती है। सोचा था कि हम लोग इस तरह से इस छपरा शहर में एक खूबसूरत जो प्रकृति है इसमें एंजॉय हम लोग करते बिताएंगे। अचानक भगवान नाराज हुए, समय मेरा ख़राब हुआ, हमारी पत्नी धर्मपत्नी बीमार हुई और 17 में उन्होंने साथ छोड़ दिया। लेकिन उनके जाने के बाद उनके दिए कहे गए बातों को हमने फॉलो किया। फॉलो का नतीजा यह कि आज हमारे सभी जो बच्चे हैं सभी जगह पर हैं, जो भी हैं ठीक है, आपके सामने हैं, जीवन बदलता गया। माँ भी साथ छोड़ के चलेंगे, पिता भी साथ छोड़ दिए, एक बड़ी बहन थी वो भी साथ छोड़ दी, बिल्कुल अकेलापन। और पढ़ने लगे बहुत बड़े घर के बीच में रह करके, सब बच्चों को दायित्व निभाते हुए, नौकरियां, शादी वगैरह मैंने पूरा कार्य संपन्न किया। लेकिन इस बीच में एक मैंने प्रण प्रतिज्ञा की, आखिर जो 60 साल के बाद जो बराबर हम बोलते हुए हैं कि ये एज एक ऐसा एज है, ये बुढ़ापा जिसको एज कहते हैं, स्टार्टिंग कंप्लीट एज, जो सब लोग इस आपके इग्नोर करते हैं, सोसाइटी के लोग इग्नोर करते हैं, घर के बच्चे इग्नोर करते हैं, कोई स्वीकार नहीं करता इस एज को, कि लोग कहते नहीं आप रिटायर्ड हैं, आप में ये कमियां हैं। बच्चे अपने आगे एक्सेप्टेबल नहीं करते बातों को, अपनी बात को रखवाना चाहते हैं, सभी बच्चे चाहते हैं कि नहीं जो हम कहें ऐसा आप करें। बहुत चीज़ें आई गाइड, लेकिन मैंने सबको ब्रेक किया नहीं, क्योंकि इसलिए मैंने ब्रेक किया कि जो हमारा ये एज है 60 ईयर्स का, हम नहीं दोस्तों, हमने इस फिल्म के माध्यम से हम सभी को बोलना है, जो हमारे इसी भी जो आपके मन के भीतर आवे, किसी बच्चों से राय आप ना लें, विशेषकर लड़कों से आप राय ना लें, क्योंकि जो भी लड़कों से अगर आप राय लेते हैं वो अपनी लालच में, अपनी संपत्ति के लालच में आपको गाइड करेंगे, या बच्चियाँ भी अगर आप राय लेते हैं तो बच्चियाँ आप कुछ हितवद के तहत आपको राय देंगी। लेकिन मेरा एक सोच अलग है कि हाँ, आपको इस एज में आपको 3-4 गलतियाँ बिल्कुल नहीं करना है, आपको जो भी चरित्र को आपको उत्तम रखना है, किसी तरह के करैक्टर संबंधित आप पर आरोप नहीं लगना चाहिए। कई चीज़ों का अगर आप कुछ चीज़ को इग्नोर स्ट्रिक्ट टाइट रहते हैं तो मेरे ख्याल से ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। 60 साल की ज़िंदगी मतलब आपकी नौजवानी शुरुआत, आगे बढ़ते जाते हैं, निखरते जाते हैं। मैंने अंदर सोचा कि चलो सोशल साइड को ना पकड़ा जाए, पढ़ने पकड़ा, स्टार मेकर पकड़ा, गाना गाता हूँ, मस्त रहता हूँ, बस एक टेंशन नहीं लेता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि आप बिल्कुल डेंजर जोन में खड़े हैं, कब आपका विकेट गिर जाएगा, कब आपके ईश्वर बुला लेंगे, इस बात को हम कन्फर्म रहते हैं। लेकिन फिर भी हम ईश्वर और ये सामने वाले हालात से मैं उसको कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ, टेंशन नहीं पाल करके हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा भारतीय संस्कृति सनातन में अगर बैक में जाएंगे, पहले ऋषि हजारों वर्ष जीते थे और अपने ज्ञानरंजन करके लोगों को बताते थे, हम सोचा कि हम भी कोई ना राह पर चलें, हमारे भी सोच है कि हम 100 ईयर्स एज को पूरा करें। 100 वर्ष पूरा करने का राज ये है कि हम कोशिश करें कि एक सोशल साइट जो मैंने सेलेक्ट किया, लोक स्मार्ट न्यूज चैनल से, जो भी चैनल से जुड़े हैं बोलते हैं फेसबुक पर, केवल अपनी शिक्षा टेंशन, हम इस बात को जानते हैं कि हमारे इस सोशल साइट पर हमारे घर के बहुत लोग ऐसे जो भी आपके भाई हैं, बहनें हैं, एक चीज़ हमने पाया जीवन में कि इस एज के बाद 60 साल के बाद आप इग्नोर हैं आप, लेकिन जिसको करना करने दीजिए, आप अपना काम करें। हम केवल इस जितने हमारे इस वर्ग के जो हमारे लोग हैं 60 से ऊपर वाले, प्लीज़ एक मेरी बात को
इस फिल्म के जरिए हम आपको एक आगाह एक प्रेम के साथ नोटिस भी देते हैं कि अब कभी भी आप अपने को कमज़ोर ना समझें, कभी भी आप अपने को पैरासाइट ना बनाए के निर्भर, कभी भी किसी को बात उतना मत मानिए कि आप उसके अंडर में चले जाएं, आप उतनी ही बात माने जितनी मान्य है, रिश्तों को कदर करें, बच्चे हैं बच्चों को प्यार करें, बेटियां हैं बेटियां प्यार करें, जो रिश्तेदार हैं जो भी धर्म पालन करें। लेकिन दोस्तों बता रहे हैं आपको, इस एज में आते आते न तो कोई आपका भाई बहन अगर रियली हृदय से पूछेगा, जो भी संबंध जो हमने आंकड़ा लिया, जो संबंध है सब में छल है, सब में स्वार्थ की बू ज़्यादा आने लगती है, ऐसा क्यों? हमने काफ़ी इसका टोटोला। जो मेरे साथ स्थिति है ये तो स्थिति कई लोगों के साथ होगा, लेकिन कई लोग तो ऐसे ऐसे हमने लोगों के देखा कि अपने बेटा के लिए आपको मर जाता है, कट जाता है, सड़ जाता है, अपनी प्रॉपर्टी इलाज के लिए नहीं बेचता है, वो गहनों को बेचता भी नहीं है, दबा रहता है, कहते नहीं अब बहू के लिए बच्चों के लिए ये के लिए हम रखें। ऐसा दोस्त नहीं, ये आपका अर्जित आपका सब कुछ है, आपका काम है। आप दुखों में हमेशा बच्चों का मदद कीजिए, जो बच्चे चाहें करें, लेकिन ऐसा न करें कि फुटबॉल अपनी ज़िंदगी को न बनावें। ये बुढ़ापा जो आपके देन है, ये बुढ़ापा फुटबॉल मत बनिए, इसको खुद आप अपने खुद इसको पेस बॉलिंग कीजिए और मजबूत रहिए, दृढ़ इच्छा मजबूत रखिए, जो आपके अंदर की इच्छाएँ जगे सही दृष्टित में सेटिस्फैक्ट्री के लिए जो हो आप प्लीज़ फॉलो करेंगे। देखो अगेन दोस्तों फिर एक और बात बताते हैं आपको अपने इस फिल्म के माध्यम से, नोटिस है हमारे बूढ़ों लोगों को कि जो नेता हैं, चूँकि उसकी इतनी फैसिलिटी मिली है, जैसे मोदी जी का देख लें, नीतीश लालू प्रसाद जी, इन लोगों की उम्र 70-75 के बीच में है, इन लोग तो इतना सुख सुविधा पला ये मिला हुआ कि लोग अपने को संतुष्ट कर लेते हैं, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उसकी क्या स्थिति होती होगी, हम अपनी फिल्म के माध्यम से हम बता रहे हैं आपको। हम विशेषकर जो पेंशनधारी हैं, जिसको पेंशन मिलता हो, हम सबसे अपील करते हैं कि कम से कम अपने मेडिकल अपने शरीर के लिए ध्यान रखने के लिए आप खुद पैसा उसमें लगावें, और चूँकि अगले महीने फिर आपको पेंशन मिला है, जब बच्चे सब सुरक्षित हैं, नौकरी पर सुरक्षित है, तो पेंशन के बचाव कैसा, जितना हमने पाया कि जो हमने देखा कि जितने पाया कि जो पेंशनधारी आईएएस आईपीएस या किसी भी छोटे से बड़े जो स्तर के पेंशनधारी हैं, अचानक उनको पेंशन मिलने के दिन दो दिन होती है, लोग पूछते हैं, और अचानक ऐसे ऐसे एग्जाम्पल मेरे पास है कि पेंशनधारी को घर वाले परिवार वाले उसको पटक के मारते भी हैं, उसका पैसा छीन लेते हैं, और उसके पैसा से भी अभी भी लोग उम्मीद रखते हैं कि हमारे हम लोग का दादाजी नाना जी काका जी जो हों पेंशन का ये पेंशन का पैसा खाएं। लानत है ऐसे जो जो पेंशनधारी जो भी हमारे भारत के जो पेंशनधारी है उनके पेंशन पर पैसा, अगर कोई भी बच्चा सोचे कि पेंशन से उसको लालच है, ये महा गलत है, इसीलिए कि वो तो दायित्व निभा चुका, 60 साल के सेवा तक बच्चों के सियाना कर दिया, पढ़ाई लिखाई में खर्च किया, बहुत चीज़ें इसने स्टेबल कर दिया, शादी कर दिया, तो क्या अब उस एज में भी 67 के एज क्या उसको जीने का अधिकार नहीं है? सरकार उसकी अपनी पेंशन देती है, उस पेंशन से हम सब पेंशनधारियों को भी अपील करते हैं इस फिल्म के माध्यम से, प्लीज़ आप पेंशन से कम सब अपने बजट बना करके अपने शरीर पर पूरा पैसा लगा दीजिए, आप सुरक्षित रहेंगे तब ना अगला आपको पेंशन मिलेगा, आप सुरक्षित रहेंगे तो पेंशन बंद होगा, अब कुछ तो असर बच्चों पर प्रभाव पारिवारिक पड़ता ही है, पेंशन बंद हो जाएगा तो कुछ तो तकलीफें होंगी। दोस्तों ये बुढ़ापा नहीं है, ये मेरी जवानी है, ये 60 साल से मैंने पैदा किया, हम रहेंगे 100 वर्ष। हमारी फिल्म को देख के एक कहानियाँ सुनते हुए हम जितने जो जो हमारे बुजुर्ग पेंशनधारी अधिक एज वाले हों, प्लीज़ इस गौर से इस फिल्म को देखेंगे, हिम्मत जो हौसला करेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि अगर हौसला रहेगा आप निश्चित रूप से 100 साल आप रहेंगे। चलिए सबके एक साथ लुक स्मार्ट चैनल तरफ से जय हिंद।